दोस्तों एक और नया दिन और मैं प्रदीप परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। हमने पिछले दिनों में जिक्र किया कैसे राकेश मारिया ने अपने दो खबरियों की मौत का बदला लेने के लिए फिरोज कोंकणी को पीट पीट कर अजमरा कर दिया था। वह एपिसोड देखने के बाद मेरे एक पुराने मित्र जो आजकल रिटायर हो चुके हैं कस्टम डिपार्टमेंट से एक्साइज कमिश्नर के पद से रिटायर हुए और बहुत लंबा समय उन्होंने इन एजेंसीज में काम किया 36-37 साल, कभी कस्टम में, कभी एक्साइज में, कभी DRI में, कभी CGAT में, जो एक ट्रिब्यूनल होता है कस्टम एक्साइज और गोल्ड के केसेस देखने वाला। बहुत पुराने एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं और बहुत नाम कमाया उन्होंने अपने सालों में। उनसे मुझे बात करने का मौका मिला तो कुछ नई बातें सामने आई। उन्होंने मुझे एक और किस्म के खबरियों के बारे में बताया कि कुछ लोग जिनका असल काम तो कुछ और होता था पर आपसी रंजिश निकालने के लिए या कुछ पैसा बड़ी रकम कमाने के लिए वो शौकिया खबरी बन जाते थे। तो बात करते करते काफ़ी लंबी बात हुई थी, मैंने पूछा कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो उन्होंने कुछ नाम लिए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। मैंने उसके बाद अपने 3-4 और दोस्तों को फ़ोन किया जो उसी ज़माने में मेरे से तो काफ़ी सीनियर हैं लेकिन अच्छा साथ उनके साथ रहा है। उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, काफ़ी देर रात तक बातें होती रही। तो निकल के मामला ये आया कि और खबरियों की बात तो छोड़िए जो पुलिस को बताते हैं किसने किसका मर्डर किया, किसने क्या किया, उसी तरह इनकम टैक्स के खबरी होते हैं जो इनकम टैक्स के चोरों की खबर देते हैं, उसी तरह NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो बाद में बना, उस ज़माने में ये काम भी DRI देखा करती थी, ड्रग का काम भी, उसी तरह हिडन इनकम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट काफ़ी सालों से चल रही है उसके भी खबरी थे। लेकिन एक ब्रीड ऑफ खबरी जो थी जिनको देख के उनका बिहेवियर देख के लगता नहीं का ये कि ऐसा काम करते हो, उनमें से दो नाम सामने आए जो आपके साथ साथ शेयर करो। एक था दाऊद का बड़ा भाई साबिर और दूसरा उसका खास दोस्त सतीश राजे। ये दोनों शौकिया खबरी थे, थोड़ी बहुत कमाई जोर से अपनी कर लेते थे लेकिन बड़ा पैसा उस ज़माने में 75, 76, 77 में एमरजेंसी के दौरान जब स्मगलिंग एक्टिविटीज के पर बहुत बड़ा एक ताला लगा हुआ था, हाजी मस्तान को डिटेन करके जेल में डाल दिया गया था, तो छोटे स्मगलर बड़ा रिस्क लेके माल मंगवाते थे क्योंकि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है वो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाती है। तो ये दोनों ने, साबिर और सतीश राजे ने, एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक नेटवर्क बना लिया जिसमें सारे दाऊद भाई भी थे और कुछ और लोग थे, 15-20 लोगों का टोला बना लिया है कि आप खबर निकालो किसके पास स्मगलिंग का माल आता है, वो भले गोल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, उसमें ट्रांजिस्टर आते थे, गाड़ियाँ आती थी, VCR आते थे, इस किस्म की आइटम वो देखो, घड़ियाँ और सोना ये हॉट आइटम्स होती थी, और साथ में कपड़ा पुंगी बहुत फेमस था, एक और था कपड़ा, दो किस्म का कपड़ा बहुत आता था बाहर से बड़ी मात्रा में, और देखते देखते वो की खपत हो जाती थी। भीड़ भाड़ वाले बस्ती में ट्रक खाली होते थे, टेम्पो खाली होते थे और विद इन मिनट वो इलाके में इधर उधर रख देते थे, जब तक कस्टम या कोई एजेंसी पहुंचती थी तो कुछ नहीं मिलता था। खैर, हाजी मस्तान के समय पे ये काम नहीं चलता था क्योंकि हाजी मस्तान इन सबको गुरु था,
दाऊद गैंग के जो इनका जो दाऊद ब्रदर्स के पिता, वो भी आजी मस्तान के दोस्त थे। करीम लाला आजी मस्तान का दोस्त, वक्ता राजन मुरलियार आजी मस्तान का दोस्त। तो जब तक आजी मस्तान किंग था स्मगलिंग का, तो ये लोग उसके खिलाफ काम नहीं करते। लेकिन आजी मस्तान डिटेन हो गया और दूसरे लोगों को मौका मिला, जिनमें यूसुफ पटेल भी था, वो भी पकड़ा गया था आजी मस्तान के साथ, वो भी अंदर। अब कोई बड़ा स्मगलर था नहीं मुंबई में, तो छोटे मोटे स्मगलर जैसे जैकेट किंग, वेस्टर्न स्वर्ग वाला, सांता क्रूज वाला, और इस किस्म के बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में सोना मंगवाने की जगह पे जैकेट्स मंगवाने लग गए। एक जैकेट में शायद 100 के करीब बिस्कुट होते थे, जिसमें लाने वाले को कमीशन के तौर पे 1 या 2 बिस्कुट दिए जाते थे, बाकी मार्केट में बेच दिए जाते थे, जिसके ऑर्डर पे मंगवाई जाता था, सोना मंगवाते। तो इन लोगों ने खबर रखनी शुरू की, और ये काम अभी पुलिस का तो है नहीं, इसलिए इनको ज़रूरत पड़ी कस्टम ऑफिसर और DRI के अफसरों की। ये लोगों ने उनके साथ रिलेशन बनाना शुरू किया, जो काम सतीश राजे को सौंपा गया। सतीश राजे पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लायक आदमी था, उसने कस्टम वालों से रब्ता साधा और उनसे कंट्रैक्ट कर लिया कि हम कभी इसको खबर होगी तो आपको देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो उस ज़माने में हालांकि कोई लिखती रूप पे कोई ऐसा कंट्रैक्ट नहीं था कि खबर का कितना पैसा देना है, लेकिन 10% के करीब कस्टम और DRI सीजर की जो वैल्यू होती थी उसका 10% सीजर होने के बाद दे देते थे, कुछ हिस्सा एडवांस में और कुछ हिस्सा जब उनकी फाइनल एजुडिकेशन केस की हो जाती थी तो दे देते थे। लेकिन कुछ जो बड़े खबरी होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन रेगुलर आती रहती है, उनको पहले भी पैसा पूरे का पूरा दे दिया जाता था, जहाँ उनको कस्टम या DRI के अधिकारियों को लगता था कि इस केस में कोई डिपार्टमेंट का नुकसान होने वाला नहीं। तो इन लोगों ने जैकेट्स की, गोल्ड की और घड़ियों की इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी DRI। मैंने वो सर्टिफिकेट देखे हैं जो DRI के उस ज़माने के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने इशू किए। वो सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिए जाते कि इनका कोई इनको फ्रेम करा के रखेंगे या इनको कोई बेनिफिट होगा, वो सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है, जिनको रिवार्ड दिया जाता है उसमें उस पैसे का वर्णन किया जाता कि हमने अपने इस इन्फॉर्मेट सतीश राजे को 38,000 रुपया दिया, इसने कच्ची वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हमने इतने अमाउंट का सीजर किया, उसके मद्देनज़र हम इसको एडवांस रिवार्ड ऑफ 38,000 देते। अब दोस्तों आपको थोड़ी हंसी तो आती होगी 38,000, लेकिन मैं 1977 की बात कर रहा हूँ, जब 1 ग्राम सोने की कीमत 480 या 482 रुपये पर तोला थी, जब समझ लो कि 48,000 रुपया पर 10 ग्राम, 4,000 ग्राम और 100 ग्राम का कोई 4 लाख के करीब पड़ता था सोना। तो वो तो ये तो रिटेल था, होलसेल में कुछ सस्ता पड़ता होगा। तो जब 1 किलो सोना लाखों में था, उस ज़माने में आपको मिल जाता था अरवाड़ मिल गया 38,000 रुपये, इसका मतलब आपने 1 किलो से ज़्यादा सोना कस्टम को पकड़वाया, यहाँ को और आइटम पकड़वाई, ये भी हो सकता है घड़ियाँ हो कुछ हो। लेकिन उस सर्टिफिकेट में इतना लिखा हुआ था कि भी हेयर भाई सर्टिफाइड दैट आर इन्फॉर्मेंट मिस्टर सतीश राजे हैज बीन गिवन एन एडवांस रिवार्ड ऑफ ₹38,000 ऑन अ वेरी रिलायबल इन्फॉर्मेशन, एंड आफ्टर वर्किंग ऑन द इन्फॉर्मेशन वी मेड द सीजर विच वॉज सक्सेसफुल इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज एफर्ट दिस एडवांस रिवार्ड इज इश्यू टू हिम।
ये सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता था क्योंकि इस पैसे के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता था। कल को हो सकता आदमी उस पैसे से गाड़ी खरीद ले, कोई कुछ 25-50 हज़ार का छोटा सा झोपड़ा भी मिल जाता था उस जमाने में कहीं, तो कहीं इनकम टैक्स वाले पूछे कि आपने कहाँ से खरीदा, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि ये देखिए मुझे DRI से या कस्टम से जो पैसा मिला था मैंने वो इन्वेस्ट किया, तो उसमें बकायदा स्टैंप लगी होती थी, ऑफिसर के सिग्नेचर होते थे, तारीख होती थी और डिपार्टमेंट के लेटर हेड पे वो सर्टिफिकेट होता था। तो वो इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए होता है। तो ऐसे मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि दर्जनों रिवार्ड उस 2.5-3 साल में साबिर कास्कर और सतीश राजे ने सिर्फ DRI से लिए, कुछ कस्टम से लिए होंगे, कुछ और एजेंसी से, उनका उनको पता नहीं। तो ये इन लोगों की कमाई का शुरुआती दिनों में साधन था। उसके दो फायदे हुए, एक तो पैसा आ गया जिससे इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीद ली, उसमें क्लबों में जाना शुरू कर दिया, जुआ खेलना, डांस देना, शराब पीनी, दारू वारू पार्टी करना, ग्रुप के बाकी बेरोजगार लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे देना। तो ये साबिर और सतीश राजे की कमाई का एक्स्ट्रा इनकम का एक साधन था जिसने दाऊद भाइयों के और उनके ग्रुप को शुरुआती दिनों में खड़ा किया जब पैसे की मारामारी 77 में 38,000 की कीमत आप अंदाजा लगाओ। जब मैंने 77 में पहली नौकरी मुंबई में की थी तो मेरी तनख्वाह महीने की 200 रुपया पर मंथ थी, रणजीत वीकली अखबार में। आप सोचो कितना पैसा होगा 38,000 उस जमाने, 24-25,000 की तो फिर गाड़ी आ जाती थी नई शोरूम से। खैर, इन लोगों का शुरुआत हुआ इस तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता बाकी गैंग के लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते, साबिर को और सतीश राजे को देते, और सतीश राजे पूरा आगे कस्टम और DRI को संभालता था। साबिर बहुत कम जाता था, वो कहीं अपना चेहरा वेरा दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वो इस इलाके का रहने वाला था। ज़्यादा स्मगलर वही डोगरी नागपाड़ा इलाके के मोहम्मद अली रोड के थे, मुसाफिर खाना और शुक्ला जी स्ट्रीट के। तो ये एरिया दाऊद भाइयों का खास एरिया था और स्मगलिंग का माल पकड़वाने से इन्होंने शुरुआती दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाए। 81 में साबिर का कत्ल हो जाता है, अंडरवर्ल्ड का पहला कत्ल, और 82 में मुंबई का पहला सबसे बड़ा एनकाउंटर होता मनिया सुरबे का। उसी दौरान 81 के पहले एक बार साबिर और सतीश राजे एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे, इनको कहीं मनिया सुरबे और धारावी वाला शेख मनी इन्होंने देख लिया, और साबिर और सतीश राजे की गाड़ी का पीछा किया। ये बाईखला के आसपास की कहीं बात है, लेकिन ये लोगों उन्होंने दरवाज़ा भी खोल लिया था एक बार, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और निकल के भागने में कामयाब रहे। शायद इसी कारण जब साबिर का मर्डर हुआ तो ये क्यास लगाया जाना लगा कि इसमें कहीं मनिया सुरवे का हाथ हो, जो था नहीं, क्योंकि वो जो शख्स जो गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी लेके गया था जिसमें मारने वाले लोग गए थे, उसकी हमने आपको लाइव इंटरव्यू सुनाई थी, और भी मेरे सोर्सेज हैं, तब उसमें मनिया सुरवे का हाथ नहीं, क्योंकि ये बात पहले झगड़ा इनका एक बार हो चुका था। मनिया पैसे मांग रहा था इनसे, खर्चे के लिए चाहिए होंगे, ये दे नहीं आए, वे नजर आ गए तो उसने गाड़ी घेर ली, लेकिन उसके हाथों से बच के भाग गए जरूर।
वो इनसे स्ट्रांग था फिजिकली, मनी असुर और शेख मलिक, ये लड़ना नहीं चाहते थे इसलिए जान बचा के भागे। तो शायद ये कारण हो सकता है कि साबर की डेथ के बाद ये फैलाया गया कि मनिया सुरवे उसे शामिल था। खैर 82 में मनिया सुरवे का मर्डर हो जाता है और उसके बाद पठान गैंग का दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, दाऊद के घर पे फायरिंग ये वो सब। और इसी टाइम जो साबिर का खास दोस्त था शीश राजे, वो एक तरीके से गैंग का बड़ा भाई बन गया। दाऊद, नूरा, अनीस, ये सब लोग जो बचपन से देखते आ रहे थे शीश राजे को बड़े भाई के साथ दोस्ती, तो सब लोग इसकी बड़ा होने के नाते और बड़े भाई का दोस्त होने के नाते रिस्पेक्ट करते। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, एक शीश राजे के खास आदमी के पास बॉम्बे में एल्बम, जिसमें दुबई के की ऑफिस में कहीं दाऊद और सतीश राजे एक सोफे पे बैठे हैं, जहाँ सतीश राजे ने दाऊद के कंधों पे हाथ रखा हुआ, पीछे से हाथ निकाला और सामने अनीस और छोटा राजा खड़े हैं, वो बैठे नहीं। तो ये वो शख्स था सतीश राजे जो दाऊद के कंधे पे हाथ रख के सोफे पे बैठ सकता था, पाँव पे पाँव रख के, और दाऊद किसी फोन पे बात कर रहा है उस तस्वीर में। तो दोस्तों ये रिश्ता था। तो सतीश राजे वो बिजनेसमैन आदमी था, उसने जो पैसा कमाया इस तरीके से वो उसने बहुत अच्छे कामों में लगाया। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि सतीश राजे बहुत बड़ा जुए का क्लब भी चलाता और कुछ क्लबों में उसकी हिस्सेदारी भी थी, लेकिन बड़े तरीके से काम करता। वो एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे आपको सतीश राजे का बिजनेस क्या था। उस हब के साथ बना के रखता था। उस समय जब साबिर जिंदा था और साबिर के मरने के बाद भी आज की जो बाद में जो BRA गैंग बना, जिसमें अरुण गवली, रमा नायक, बाबू रेशम, रमा नायक अक्सर सतीश राजे के घर पे आया करता था परेल में। ये बैठते थे साथ में, बैठ के दारू पीते थे, पार्टी करते। दुश्मनियाँ बाद में हुई, करीम लाला के घर पे चला जाता था सतीश राजे, वरदाराज मुरलियार को बड़ी अच्छी तरह जानता था और अशोक जोशी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। कैसे दुश्मनियाँ हुई वो सब दाऊद के डाउन बनने के बाद हुई। कारण कुछ और थे, शिकार कुछ और लोग बन गए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से जो नए नए सुनने को मिल रहे हैं, कुछ पुरानी कहानियां के अंडरवर्ल्ड दाऊद गैंग के शुरुआती दिनों के दौर क्या था वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है। और जो कस्टम से रिश्ते बनाए सतीश राजे ने और साबिर ने, वो दाऊद के काम बहुत आए बाद में। और जब आईना हमलों में जब दाऊद कुछ दिन गुजरात में गुजार रहा था, तो वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है और उसको वहाँ से बचाने वाला कि और नहीं DRI का ही अहमदाबाद में पोस्टल ऑफिसर बीवी कुमार था, पुराने रिश्ते। और बीवी कुमार ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया, उनका कहना है कि दाऊद को बचाना जरूरी था क्योंकि वो हमारे काम का आदमी और एजेंसी ऐसा काम करती है, अपने काम के लोगों को, खबरियों को, इन्फॉर्मेंट्स को बचाते, छोटे मोटे केस से बचा लेते हैं, बड़ा केस तो क्या कर सकते। और इससे कई बार पुलिस का और कस्टम वालों के झगड़े भी हुए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। जैसे एक बार कैसे अरविंद नामदार दया शंकर का झगड़ा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा। सो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।